संडे की मॉर्निंग की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसी बाकी सारे दिनों की होती है। दिन निकल ही रहा था कि तभी आता है संडे में ट्विस्ट। हम चारों पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारा सफर शुरू हुआ लेकिन मंजिल बहुत दूर थी। हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी, और हमारे इस सफर की कहानी का कलाकार था मौसम, जिससे हम अनजान थे और अपनी मंजिल की राहों की खूबसूरती को निहारते नहीं थक रहे थे। और फिर लिया मौसम ने ट्विस्ट और हमें रुकना पड़ा हमारे सफर के बीच में। रुके हम थे, हमारे इरादे नहीं। और हम पहुंच जाते हैं लेक व्यू रिजॉर्ट में, और वक्त भी हो गया था लंच का, तो हमने सोचा चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और फिर इस खूबसूरत से रिजॉर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हम चारों फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। धूप, बारिश, बाजार, गांव, मैदान, सबको पार करते जितनी तरह के नज़ारे उतने इमोशन जिए हमने। कभी हम रुकते तो कभी बारिश हमको रोक लेती। समय निकलता जा रहा था और मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए अपनी मंजिल के पास। हम थे रायगढ़ फोर्ट के नीचे और हमें जाना था 4,400 फीट ऊपर। अब एक और ट्विस्ट आने वाला था। मौसम ख़राब हो रहा था, अद्विका छोटी थी, इसलिए हमने सोचा रोप वे से जाते हैं, पर रोप वे 5:30 बजे के बाद बंद हो जाता है और हम रायगढ़ फोर्ट पहुंचे ही थे 4:45 पे। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो वापस चले जाएं या फिर जो टाइम मिल रहा है उसमें ही जाकर वापस आएं। रोप वे में सबका एक्सपीरियंस अपना अलग ही था और वो उनके लिए खास। अब हम थे रायगढ़ फोर्ट के सामने, लेकिन ट्विस्ट ये था कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट थे इस 1300 एकड़ के फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। समय कम था लेकिन हिम्मत बहुत थी। एंड जो है उसका उस साइड पे, वो जो वहां पहाड़ दिख रहा है, लास्ट पहाड़ वो, और हम अभी यहाँ पे, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो जितना हो सकता है हम उतना एक्सप्लोर करते हैं और फिर निकलते हैं। देख रहे हो ना, ये यहाँ के रानी का ना बेडरूम होता था, जिसमें मेरा फ्रेंड बता रही थी मुझे, तो ये इतना बड़ा एक रानी का बेडरूम होता था। तो ये दिस इज द प्रिंसेस पैलेस। हमारा 10 मिनट का वक्त बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, लेकिन बारिश ने हमको फिर से रोक लिया रायगढ़ फोर्ट में। हम रायगढ़ फोर्ट के एक रेस्टोरेंट में रुके और अपने वापस जाने के नंबर का इंतजार करने लगे। नंबर हमारे घर वापस जाने का। रायगढ़ फोर्ट का ये 10 मिनट का एक्सपीरियंस भी
हमारी यादों में एक अपना अलग ही पन्ना जोड़ गया। हम सबके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार था। और हमारा ये ट्विस्ट वाला संडे जाके ख़त्म होता है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बनाए गए फैमिली रेस्टोरेंट में। आखिर में कहना चाहूँगी, आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं।